हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजपूती सलवार बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है हिप 38, लेंथ 40, और जो ये हमने 14 लिया है और 15 लिया है, ये मैं आपको अपनी ड्राफ्टिंग में बताऊंगी ये हमें कहाँ पर रखना है। तो आइए सबसे पहले ड्राफ्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर अब इसका तिकोना बनाएंगे। इस तरह पेपर हमारा छोटा है तो इसलिए हम निशान इसमें सेंटीमीटर में लगाएंगे। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये हमारा एक साइड बंद है और एक साइड ओपन है, तो हम इस साइड निशान लगाएंगे, बंद की साइड। यहाँ पर सबसे पहले हम सिक्स, ये हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ली है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ में हम 8 इंच बेल्ट रखेंगे, तो 8 इंच बेल्ट का हम नीचे निकाल देंगे और उसके बाद अपनी जो लेंथ है वो रखेंगे। ये हमारी लेंथ है। यहाँ पे हमें मोरी 5 इंच की रखनी है, तो यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे 15 इंच का ही हम हाफ रखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। ये मैंने 15 इंच का जो निशान लगाया है, जो हमारा घुटने से और एडी के बीच का पोर्शन है उसके लिए लगाया है, और ये हमारा जो घुटने के नीचे का पोर्शन है उसकी गोलाई के लिए लगाया है। अब हम हिप रखेंगे। हमारे यहाँ 38, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तीसरा भाग, उसमें हमारा ये 12.5 आया है। 12.5 में हम 3 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा ये 15.5 आएगा। तो यहाँ पर हम 15.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे, जहाँ पर भी हमारे यहाँ पे सेट आता है। ये हमारा यहाँ पर सेट आया है। अब हम इस तरह से गोलाई करेंगे। ये हमने इसकी गोलाई की है। जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बचा है, हम 5 इंच जहां तक आएगा हमारा, वहां तक इसमें निशान लगा लेंगे। स्ट्रेस ले लिया है कि जो हम प्लेट्स बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर आएगा, और ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। सिलाई के लिए इसमें हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, 1 या 1.5 इंच। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा पेपर एक्स्ट्रा है, ये बचा है हमारा पेपर, इसको इस तरह तिकोना करेंगे। इसको हम यहां से हम अपने क्रोचेरे के लिए रखेंगे। क्रोचेरे का एरिया है हमारा 15 इंच, 15.5 इंच, तो 15.5 इंच हम 8 इंच बेल्ट का निकाल देंगे ऊपर की साइड, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा यहाँ आएगा। इसको हम यहाँ मिला देंगे, इसको इस तरह। ये हमारे 4 पीस हैं, तो 4 पीस इसमें, चारों पीस में ज्वाइंट होंगे।
इस तरह ही हम चारों पीस में चारों पीस ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहां से कट करेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच कम कर लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर कम करेंगे और इसको इस तरह कट करेंगे। तो इस तरह ये हमारी सलवार बनेगी। और जो ये नीचे का हमारा पोर्शन है, हमने यहाँ पे 15 इंच लिया था, 15 इंच की हम लास्टिंग कट करेंगे और इसमें लगाएंगे, तो हमारे इस तरह ये इसमें प्लेट आ जाएंगे। तो अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये हमने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको मैंने डबल किया और तिकोना बना लिया है। अब हम यहाँ से बंद की साइड से इसमें निशान लगाने शुरू करेंगे। यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे। 6 में आप चौड़ाई बढ़ाने के लिए ज्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ से 8 इंच बेल्ट का छोड़ के अपनी लेंथ रखेंगे। लेंथ से हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगाया था, वो रखेंगे। और यहाँ पर 7.5 इंच जो नी का ऊपर का पोर्शन है उसके लिए। और यहाँ पे हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे सीधा। हम ये निशान मिला देंगे। यहां पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जी जो नीचे हमारा फैब्रिक बचा है उसमें चुनर डालने के लिए जितना हमारा फैब्रिक है उतना हम इसके अंदर ही लेंगे। यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है हमारा, इसको हम लाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पर सिलाई के लिए हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। हम इसको यहाँ से भी कट करेंगे। हम इसको 1 इंच नीचे कट करेंगे।
1 इंच हमने इसलिए नीचे कट किया है क्योंकि यहाँ का हमारा एरिया काफी बढ़ चुका है, ऊपर हमारा थोड़ा 1 इंच ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये जो हमारा पीस है इसकी कटिंग हम इस वाले पीस के अकॉर्डिंग थोड़ी कम कर देंगे, 1 इंच या 1/2 इंच। ये हमने कम इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में प्लेट डालेंगे इस वाले के फैब्रिक की फ्रंट में, इसलिए मैंने ये कम किया है और ये ज्यादा ज्यादा है हमारा। अब हम इसके ऊपर का पोर्शन कट करेंगे। ये हमारे 2 पीस है, 2 पीस में से हम 1 पीस निकाल लेंगे और इसको इस तरह 4 तह में तिकोना कर लेंगे। ये वाला फैब्रिक हम इस तरह सेट करेंगे और यहाँ से कपड़े की चौड़ाई ली है हमने, यहाँ से हम आसन रखेंगे। साढ़े 15 हमारा आसन है तो हम 8 इंच बेड के लिए ऊपर छोड़ देंगे। और 15.5 ये है हमारा और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह मिला देंगे। और अपने इन पीस को यहाँ पर टच कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सा पीस किस तरह लगाना है। हमने इनको पहले ही इसमें टच कर लिया है तो हमें पता रहेगा कि हमारा ये कौन सा पीस कहाँ पर ज्वाइंट होगा। ये हमारा ऊपर का पोर्शन है और ये हमारा नीचे का पोर्शन है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। हमारी बेल्ट 40 इंच है, 40 इंच का हमारा 20 है और 20 में हम ये 4 इंच प्रेस करेंगे, 24 इंच। ये हमारी बेल्ट है। अब ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। आइए सबसे पहले जो हमने ये यहाँ पे पिन लगाया था अपनी कटिंग पे उसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह लेंगे। ये इस तरह हमने दोनों पीस ज्वाइंट कर लिए हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा पीस ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जहां से हम मोरी बनाएंगे वहां से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं।
ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम ये अपना ऊपर वाला पोर्शन लेंगे और नीचे की साइड एक लंबी सिलाई लगा देंगे गैदर बनाने के लिए। इस तरह हम इसके प्लीट्स बना लेंगे, जितना हमारा ये नीचे का पोर्शन है उतना। ये मैंने यहाँ पर कट का निशान लगाया है और यहाँ पर भी कट का निशान लिया है हम बीच में, तो ये कट से कट को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह रखेंगे हम पहले ये बीच का पोर्शन हम पिन अप कर देंगे। अब हाफ गैदर इस साइड और हाफ गैदर इस साइड बराबर करेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह हमने ये अपना दोनों पीस ज्वाइंट कर लिए हैं। यदि आप इसमें गैदर ज्यादा डालना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पे ये कटिंग बताई थी 15.5 इंच पर, तो नीचे की तो आप 15.5 इंच पर कट करें और ऊपर का फैब्रिक थोड़ा ज्यादा रख लें तो आपके घेरे इसमें ज्यादा आ जाएंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। ये दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह दोनों पीस रखेंगे और यहाँ से क्रोचेरिया से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से क्रोचेरे पर सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट में हमने बीच में ज्वाइंट किया है और ऊपर भी सिलाई की है। अब हम इसको इस तरह लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसको बेल्ट को इस तरह लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह खोलेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बेल्ट हमारी ये 8 इंच की थी, तो ये मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह नेफा इसका फोल्ड कर देंगे।
यहाँ से भी इसको इस तरह खोल देंगे, एक यहाँ का बीच का जो हमारी सिलाई है उसका एक टाका निकाल देंगे। और इस तरह ये हमारा डोरी डालने के लिए नेफा खुल गया है। ये हमारी बेल्ट तैयार है। अब हम इसमें नीचे का पोर्शन ज्वाइंट करेंगे। तो जो ये हमारे फ्रंट का पोर्शन है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कि हमें ये बैक का पीस कहाँ तक जोड़ना है। फ्रंट पे हम 7 इंच इस साइड और 7 इंच इस साइड छोड़ देंगे। जो हम गैदर डालेंगे वो हम 7 इंच इधर और 7 इंच इधर के बीच में गैदर डालेंगे। अब हम इसमें जो बैक पीस है हमारा वहां से नीचे का पोर्शन ज्वाइंट करेंगे, इस तरह लेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे जहां तक हमने निशान लगाया है। अब इसमें वापस सिलाई लगा के डबल दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रंट पीस की सिलाई के लिए हम पहले जो बीच का पोर्शन है हमारा इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। और ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसके गैदर बना देंगे दोनों साइड, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड। इसी तरह दूसरी साइड जो फैब्रिक बचा है गैदर बनाएंगे। इस तरह हमने ये फ्रंट साइड गैदर डाल लिए हैं। अब हम इसका जो नीचे का पोर्शन है उसको तैयार करेंगे। नीचे के पोर्शन के लिए हम 14 इंच की 4 प्लास्टिक कट कर लेंगे, 4 पीस। नीचे की जो हमने लेंथ रखी थी वो हमने 15 इंच रखी थी, फिर हमने उसमें से एक माइनस किया तो हमारी ये 14 इंच हुई। तो हमने ये 14 इंच की 4 इलास्टिक कट की हैं। इसको हम अपनी सलवार में सेट करेंगे।
ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर हम मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, एक इलास्टिक हम यहाँ से लगाएंगे बीच वाली लाइन पे, यहाँ से लेंगे नीचे से और इसको खींचकर ऊपर तक लगाएंगे जहां तक हमारा ये नीचे का पोर्शन है। उसको हम बीच में से पहले पिनअप करेंगे सिलाई लगाने के लिए, यहाँ से और जहां पर हमने इलास्टिक लगाई है उसको हम फोल्ड करेंगे। एक इलास्टिक हमने यहाँ बीच में लगाई है और एक इलास्टिक हम यहाँ लगाएंगे जहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है सिलाई लगाने के लिए, यहाँ पर हम लास्टिक रख के इसको बंद कर देंगे। और यहाँ से ऊपर से लास्टिक लगाएंगे। अपने फैब्रिक को बराबर करेंगे इस तरह और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर खींचकर लास्टिक लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी पोर्शन तैयार कर लेंगे। नीचे जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वो हमने जो ये इलास्टिक लगाई है उसके अंदर आ गया है और उसके गैदर बन गए हैं। तो आइए इसको सीधा कर लेंगे पहले। ये मेरी सलवार रेडी है, इसका लुक इस तरह आया है। ये हमारे नीचे का पोर्शन है जो हमारा घुटने से नीचे आएगा और ये घुटने के ऊपर का पोर्शन है।
आप सभी इस तरह की सलवार बनाकर जरूर ट्राई करें। ये सलवार बहुत प्यारी लग रही है, राजपूती सलवार। मैंने आपको बताया था यदि आपको यहाँ पर ज्यादा घेर डालने हो तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे आप थोड़ा ज्यादा कट कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।